नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। गणेश चतुर्थी पर पूजा के साथ करें ये उपाय, तुरंत बदलेगी किस्मत। दोस्तों, गणेश चतुर्थी के त्योहार पर पूजा प्रारंभ होने की सही तारीख किसी को ज्ञात नहीं है। हालांकि इतिहास के अनुसार यह अनुमान लगाया गया है कि गणेश चतुर्थी 1630-1680 के दौरान शिवाजी मराठा साम्राज्य के संस्थापक के समय में एक सार्वजनिक समारोह के रूप में मनाया जाता था। शिवाजी के समय यह गणेशोत्सव उनके साम्राज्य के कुल देवता के रूप में नियमित रूप से मनाना शुरू किया गया था। पेशवाओं के अंत के बाद यह एक पारिवारिक उत्सव बना रहा। यह सन 1893 में लोकमान्य तिलक, जो कि एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक द्वारा पुनर्जीवित किया गया। गणेश चतुर्थी पूरे भारत में मनाई जाती है। हालांकि यह महाराष्ट्र में साल के सबसे महत्वपूर्ण त्योहार के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा यह लोगों द्वारा देश के विभिन्न राज्यों जैसे तेलंगाना, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी और दक्षिणी भारत के अन्य भागों सहित बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह 10 दिनों का उत्सव है जो अनंत चतुर्दशी पर समाप्त होता है। गणेश चतुर्थी शुक्ल चतुर्थी चौथा चंद्र दिवस पर भाद्रपद के महीने में हर साल पड़ती है और अनंत चतुर्थी 14वें चंद्र दिवस पर समाप्त होती है। कैसे करें पूजा? इस पर्व पर प्रातः काल उठकर सोने, चांदी, तांबे और मिट्टी के गणेश जी की प्रतिमा स्थापित कर 1650 विधि से उनका पूजन करना चाहिए। लोग नारियल, 21 मोदक, 21 दुर्वा, लाल फूल, मिठाई, गुड़, धूप, बत्ती, माला आदि की भेंट करते हैं। सबसे पहले लोग मूर्ति पर कुमकुम और चंदन का लेप लगाते हैं और पूजा के सभी दिनों में वैदिक भजन और मंत्रों का जाप, गणपति अथर्व संहिता, गणपति स्त्रोत्र और भक्ति के गीत गाकर भेंट अर्पित करते हैं। अगर इस दिन की पूजा सही समय और मुहूर्त पर की जाए तो हर मनोकामना की पूर्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि गणेश जी का जन्म मध्य काल में हुआ था, इसलिए उनकी स्थापना इसी काल में होनी चाहिए। पूजन के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। मान्यता के अनुसार इस दिन चंद्रमा की तरफ नहीं देखना चाहिए। दोस्तों, गणेश जी की आराधना से ही बुद्धि और विद्या का वर मिलता है। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ उपाय जो आपके भाग्य को बदलने में सहायक हो सकता है। वाणी दोष दूर करने के लिए, अगर कोई काम बहुत उपाय के बाद भी पूरा नहीं हो पा रहा है तो गणेश जी को 4 नारियल माला में पिरोकर चढ़ाएं और उनसे अपना संकट दूर करने की प्रार्थना करें। इंटरव्यू अथवा परीक्षा में सफल होने के लिए कच्चे सूत में 7 गांठ लगाकर जय गणेश काटो कलेश कहते हुए भगवान गणेश जी को समर्पित कर दें। उसके बाद उस धागे को अपने पर्स में रखें। ऐसा करने से इंटरव्यू तथा परीक्षा में सफलता प्राप्त होती है। भाग्य को अपने अनुसार बदलने के लिए दोस्तों, गणेश चतुर्थी पर शुद्ध पानी से गणेश जी का अभिषेक करें। इसके बाद गणपति अथर्वशीष का पाठ करें, मेवे के लड्डू का भोग चढ़ाएं, भगवान से मन ही मन अपनी प्रार्थना कहें, तुरंत लाभ होगा। समस्या दूर करने के लिए गणेश चतुर्थी पर हाथी को हरा चारा खिलाएं और गणेश जी के मंदिर में जाकर अपनी समस्या दूर करने के लिए भगवान गणेश से प्रार्थना करें। कुछ ही दिनों में आपकी समस्या दूर होगी। तुरंत धन प्राप्त करने के लिए गणेश चतुर्थी के दिन सुबह स्नान कर धुले हुए साफ कपड़े पहनकर गणेश जी की पूजा करें। उन्हें शुद्ध घी और गुड़ का भोग लगाएं। थोड़ी देर बाद घी और गुड़ गाय को खिला दें। धन की समस्याएं दूर हो जाएंगी। क्रोध को दूर करने के लिए छोटी छोटी बातों पर अगर आपको क्रोध आता है तो इसके लिए
आप लंबोदर गणपति को लाल रंग के फूल चढ़ाएं, क्रोध दूर हो जाएगा। गणेश विसर्जन का महत्व। गणेश विसर्जन हिंदू धर्म में बहुत महत्व रखता है। गणेश जी की मूर्ति मिट्टी की बनी होती है, जो पानी में विसर्जित होने के बाद बेडौल हो जाती है। इसका मतलब है कि इस दुनिया में सब कुछ एक दिन बेडौल हो जाएगा, अर्थात मोक्ष या मुक्ति मिल जाएगी। गठन और बेडौल होने की प्रक्रिया कभी ना खत्म होने वाला घेरा है, अर्थात चक्र है। हर साल गणेश जीवन के इसी परम सत्य के बारे में हमें यकीन दिलाने के लिए आते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी तो कृपया आप मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें तथा घंटी दबाना ना भूलें, क्योंकि हम इसी चैनल के माध्यम से ऐसे ही बहुत सारी बातें लेकर आएंगे। धन्यवाद।